आगरा में जिला जेल ने बड़ी पहल की है। जिला जेल में सैलून का ट्रेनिंग सेंटर खोला है। ट्रेनिंग सेंटर वो भी मशहूर एक्सपर्ट जावेद हबीब का। और सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन खुद जावेद हबीब ने किया। वहीं इस ट्रेनिंग सेंटर में बंदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज जावेद हबीब ने कुछ बंदियों को टिप्स दिए और सबके सामने एसएसपी आगरा अमित पाठक के बाल काटकर सिखाया। तो अब याद रहेगा पहला कट मेरा ही हुआ था 20 सालों के अंदर। फॉलो कीजिए वो शैम्पू, और शैम्पू से पहले तेल लगा लीजिए सबसे सबसे अच्छा। उसके बाद एक बंदी से जावेद हबीब ने खुद के बाल भी कटवाए। आराम से काम करो, कोई जल्दी वाली बात नहीं। ये मैं सोचता कि कैंची जल्दी चलेगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। बात नहीं करना, दिल लगा के काम करना। हाथों में इतनी पावर होनी चाहिए, सारी कैंची ठीक हो जाती है। सर देखिए आपकी जेल के अंदर पहला कट मेरा हो रहा है। वहीं इस ट्रेनिंग सेंटर में जावेद हबीब द्वारा सिखाई गई एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। दरअसल इस ट्रेनिंग सेंटर को खोलने का मकसद है कि बंदी मानसिक रूप से ठीक हो सकें और जेल से रिहा होने के बाद रोजगार से भी जुड़ें। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक सैलून शुरू किया है। जो लोग हमारे अंदर बंदी हैं, जो इस प्रोफेशन से हैं और इतने सारे लोग हैं, उनके बाल काटने के लोग तो चाहिए ना। ये सिर्फ सैलून की बात नहीं करूँगा, हमारा जो मेन इनिशिएटिव है वो एजुकेशन का। हम लोग बहुत जल्दी यहाँ एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग आते हैं बिना प्रोफेशन के और जाएंगे प्रोफेशन के साथ में, और उसको सबको मिलेगा जावेद हबीब का सर्टिफिकेट। एंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग एक महीने का कोर्स करने जा रहे हैं जिसके अंदर पूरा सिखाएंगे कि बाल काटना साइंस कैसे हो सकता है, ताकि बाहर जब जाएंगे क्राइम से उनका दिमाग निकल जाएगा, उनका दिमाग जाएगा एक ही जगह कैंची की पावर क्या है। तो मैं कैंची की पावर देना चाह रहा हूँ। सच्ची बात तो जब एजुकेशन मिलेगा तो रोजगार ही मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि हमारी एजुकेशन की जो कैंची की पावर है ना, वो उनको ये सब भुला देगा। तो सर हाँ, मेरे लोग आ रहे हैं, मेरे नेक्स्ट वीक मेरे ट्रेनर यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेन करने के लिए। एक ही जना आएगा, एक ही। और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इनिशियली इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ का जो ट्रेनर होगा वो भी यहीं का आदमी होना चाहिए। तो पहले हम लोग ट्रेनर को ट्रेन करेंगे, बाद में वो ट्रेनर सब लोगों को ट्रेन करेगा। ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगा, मैं आता रहूँ, लेकिन उनको सर्टिफिकेट देना जरूरी है, उनसे बात करना जरूरी है। लेकिन मेन चीज़ बाल काटना नहीं है, उनका दिमाग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए शायद मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने वाला है। आगरा में जिला कारागार में जो कारागार अधीक्षक हैं, उनके बहुत ही सुंदर प्रयासों के फलस्वरूप आज यहाँ देश के जाने माने जो हेयर स्टाइलिंग और हेयर प्रोफेशन से जुड़े हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जावेद हबीब साहब, वो यहाँ आए हैं। इसका बहुत अच्छा पर्पज़ है, यहाँ जेल में ट्रेनिंग करके जो क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, अगर उनको हम अल्टरनेट प्रोफेशन दे दें, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट कर दें, तो वो जेल के बाहर जाकर के आपके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आजीविका, नए अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। जेल के अंदर बहुत सारे सुधार किए जाते हैं, उन्हीं सुधारों के तहत, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। इस इनिशिएटिव के बारे में पूरी जानकारी करके हम लोग इसको बाकी जेलों में भी लागू करने के लिए शासन से अनुरोध करेंगे। जावेद हबीब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज एक्सप्रेस से राकेश कुशवाहा के साथ विक्रम सिंह धाकरे की रिपोर्ट।